एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ रश्मि फूड प्लाजा में। तो आज की जो रेसिपी मैं आप सभी के सामने लाने वाली हूँ वो बहुत ही इजी और डिलीशियस है, और खासकर व्रत में जब हमें बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है फिर भी हमें खाना है तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो आज की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप गैस कीजिए कि आज की रेसिपी क्या होगी, क्योंकि वो व्रत के लिए है और वो साबुदाने से बनती। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस की ओर। ये मैंने एक बाउल साबुदाना लिया है और इसमें जो मैं पानी यूज करूंगी इसको सोक करने के लिए वो हम इससे डबल करेंगे, और 3 से 4 घंटे, इससे ज्यादा आप इसको सोक ना करें, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये ऐसा हो जाएगा, ये जो साबुदाना है वो पानी बहुत ज्यादा पीता है, तो इससे हमें ज्यादा ओवर सोक करेंगे तो हमारा जो वड़ा होगा वो चिपचिपा हो जाएगा, फिर वो फटने लग जाएगा, तो इसलिए हम इसको ज्यादा सोक नहीं करेंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं। ये मैंने रोस्ट किया था मूंगफली को, ये मैंने हाफ बाउल लिया है मूंगफली। अब हम इसको चॉपर की हेल्प से, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर की भी हेल्प से आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ ग्राइंड कैसे करना है, और जो बैचलर है उनके लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगी। आपके पास बेलन होगा, आप एक ग्लास के अंदर ये मूंगफली को डाल दें, फिर उसको ऐसे से गूंथ दें, हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको ग्राइंड करने की ओर। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो मूंगफली है कुछ कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ कुछ मूंगफली है वो बारीक हो गया है। हमें ऐसे ही रखना है, हमें बिल्कुल सारी मूंगफली को बारीक नहीं करना है, नहीं तो फिर वो मूंगफली का फ्लेवर ही नहीं आएगा तो मजा क्या आएगा हमें। अब हम इसको अपने साबुदाने में यूज करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने साबुदाने के वड़े बनाने के प्रोसेस की ओर। ये 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, आप इसको रोस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप व्रत में यूज नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह हरी मिर्ची भी लें, मैं दोनों यूज करती हूँ इसलिए मैं दोनों का इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची चॉप किया हुआ। ये मैंने 3 बॉईल करके आलू ले लिया था, मेरे पास छोटे छोटे आलू थे इसलिए मैंने 3 लिया है, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 लें। अब हम इसको मैश करेंगे इसके अंदर। ये मैं पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, आप सेंधा नमक यूज करें। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप स्वाद अनुसार लें। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये हमारी जो मूंगफली है जो थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा दरदरा है, अब हम इसको भी डाल देंगे, ये चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने जीरा का पाउडर भी यूज किया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यूज ना करें, वो आप टोटली आपके ऊपर है। अब हम इसको वड़ा का शेप देंगे। ये देखिए, मैंने ये उठाया, इसको अपने दोनों हाथों से इसको मैंने गोल किया, और हम इसको ऐसे नीचे की ओर दबा देंगे और साइड से रोल करके, ये आप लोग आराम से अपने घर में कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से अपने सारे साबुदाने के जितने भी मिक्सचर हैं हम सबको इसी प्रकार से रेडी कर लेंगे। ये कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, ये मैंने तेल को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने वड़े को। इम्पोर्टेंट बात, इसको हम 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो हमारा जो वड़ा है ये टूटने के चांसेस है। ये खुद ब खुद नीचे से जब ये पक जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, हम इसको तब पलटेंगे। ये हम फॉर्क की हेल्प से इसको पलटेंगे। ये देखिए, जो हमारे साबुदाने वड़े हैं वो बिल्कुल इजीली मूव हो रहा है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे बिल्कुल आराम से, फॉर्क की हेल्प से करें तो आपके लिए ये इजी होगा। तो ये आपने देखा, मैं साबुदाने के वड़े बना के बिल्कुल तैयार कर ली हूँ, वो भी झटपट, आपको 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और मैंने जो छोटा छोटा प्रोसेस आपको बताया है वो बिल्कुल ध्यान में रखें, उससे आपके जो साबुदाने के वड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। कम से कम समय में भी हमारे साबुदाने के वड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये साबुदाने की वड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और रश्मि फूड प्लाजा को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर बजा दें। बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मुझे प्यार दें, ताकि आपके प्यार से ही मैं मोटिवेट होके और भी नए नए तरीके की रेसिपीज आपके सामने ले आऊं। थैंक यू सो मच।